नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति से संबंधित चार वीडियो अपन पहले देख चुके हैं। आज इसी क्रम में अपन आगे पढ़ रहे हैं नीमच और कोटा का विद्रोह है। ध्यान रखना, 1857 की क्रांति का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है कोटा का विद्रोह है। तो आज स्टार्ट करते हैं नीमच और कोटा का विद्रोह। एक चीज का आपको याद रखना है, ये जो नीमच छावनी है इससे रिलेटेड बातें करते हैं पहले। नीमच छावनी क्रांति के समय, जो नीमच छावनी है वो क्रांति के समय कोटा रियासत का भाग थी। जो नीमच छावनी है वो क्रांति के समय कोटा रियासत का भाग थी। और यदि अपन इसकी वर्तमान में स्थिति देखें तो नीमच वर्तमान में कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है। क्रांति के समय कोटा का भाग थी, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। तो इस नीमच की यदि बात करें तो नीमच में जो विद्रोही नेता थे, नीमच में जो विद्रोही नेता थे या जिनके नेतृत्व में 1857 की क्या हुई थी? क्रांति थी। या ऐसा मानो कि जो कि 1857 की क्रांति में नीमच छावनी के नेतृत्व करता थे वो कौन थे? तो वो दो व्यक्ति थे। एक का नाम था मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, और जो दूसरे विद्रोही नेता थे उनका नाम था हीरालाल, उनका नाम था हीरालाल। फिर से आप देखोगे कि 1857 की क्रांति के समय जो नीमच था वो कौन सी रियासत का भाग था? कोटा का। वर्तमान में कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। नीमच में जो विद्रोही नेता थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था वो कौन थे? मोहम्मद अली बेग थे। और ध्यान रखना, एक दूसरा व्यक्ति और था, हीरालाल था। अब ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय जो नीमच थी वो कौन से पॉलिटिकल एजेंट के नियंत्रण में थी? तो ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय जो नीमच था वो मेजर सावर्स के नियंत्रण में था। हालांकि ये था कोटा रियासत का भाग, तो कोटा का तो पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन था। इसलिए थोड़ा आप याद रखोगे कि 1857 की क्रांति के समय जो नीमच था वो कौन से पॉलिटिकल एजेंट के नियंत्रण में था, तो आपको बटन नहीं बताना है, क्या बताना है? मेजर सावर्स के नियंत्रण में था। इसके अलावा इस नीमच छावनी में एक अंग्रेज अधिकारी और नियुक्त था। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था कर्नल एबर्ट। अंग्रेज अधिकारी का नाम था कर्नल एबर्ट। फिर से देखोगे, 1857 की क्रांति के समय नीमच कोटा रियासत का भाग था, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। नीमच में जिन्होंने विद्रोही थे या जिन्होंने नेतृत्व किया विद्रोहियों का वो थे मोहम्मद अली बेग और हीरालाल। 1857 की क्रांति के समय ये जो नीमच था वो किसके नियंत्रण में था? मेजर सावर्स के नियंत्रण में था। अपने को पता है कि मेजर सावर्स था वो मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था, जबकि यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी इस छावनी में और नियुक्त था जिसका नाम था कर्नल एवर्ड। अब आगे स्टार्ट करते हैं, हुआ क्या, होता क्या है? बात है 2 जून 1857 की, 2 जून 1857 की बात है। इस कर्नल एबार्ट को नसीराबाद में हुए विद्रोह की सूचना मिलती है। कर्नल एबार्ट को 2 जून 1857 को जो नसीराबाद में विद्रोह हुआ था उसकी क्या मिलती है? सूचना मिलती है। किसको मिलती है ये सूचना? कर्नल एबार्ट। क्या मिलती है? नसीराबाद में जो विद्रोह हुआ था उसकी इसको क्या मिलती है? सूचना मिलती है कि नसीराबाद में क्या हो गया है? विद्रोह हो गया है। तो इसके मन में आया कि हो सकता है ये नीमच के सैनिक भी क्या कर दे? विद्रोह कर दे। इसलिए इसने परेड के मैदान में सुबह सुबह 3 जून 1857 को, 2 जून को इसको सूचना मिली और 3 जून 1857 को इसने सुबह सुबह परेड के मैदान में सभी भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की क्या दिलाई? शपथ दिलाई। किस बात की शपथ दिलाई?
अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इस बात का विरोध किया। सैनिकों ने कहा कि जब अंग्रेजों ने अपने द्वारा की गई शपथ का कोई पालन नहीं किया तो हम पालन कहां से करेंगे। तो यहां पर 3 जून 1857 को इस नीमच छावनी में विद्रोह हो जाता है। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल के नेतृत्व में। क्या करते हैं? एक अंग्रेजी सार्जेंट था, उसकी पत्नी की और उसके बच्चों की अंग्रेजों द्वारा क्या क्रांतिकारियों द्वारा क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है, और हत्या करके पूरी छावनी को लूट लिया जाता है। अभी इस छावनी में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो वहां से भाग जाते हैं। नीमच से क्या करते हैं? वो भागते हैं और चित्तौड़गढ़ की तरफ भागते हैं। इस नीमच छावनी के जो अंग्रेज अधिकारी थे, जैसे ही यहां पर क्रांति की शुरुआत होती है, कुछ अंग्रेजों को मार दिया जाता है, तो जो बचे हुए अंग्रेज थे वो बचे हुए अंग्रेज इस नीमच छावनी से भागते हैं, और नीमच छावनी से भाग कर वो आ जाते हैं कहां पर? यहां पर आप देखिएगा थोड़ा सा, वो नीमच छावनी से भाग कर आ जाते हैं कहां पर? चित्तौड़गढ़ जिले में गांव है और गांव का नाम है डुंगला। चित्तौड़गढ़ से ये नीमच छावनी से भाग कर चित्तौड़गढ़ जिले का एक गांव है डुंगला, वहां पर आ जाते हैं। लेकिन वहां पर क्रांतिकारी पहुंच जाते हैं और इन अंग्रेजों को क्रांतिकारी क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर देते हैं। क्रांतिकारी इन अंग्रेजों को क्या कर देते हैं? गिरफ्तार कर देते हैं। और एक किसान था, किसान का नाम था रुक्काराम। उस रुक्काराम किसान के घर पर इन अंग्रेज अधिकारियों को ये क्रांतिकारी क्या कर लेते हैं? कैद कर लेते हैं। फिर से आप देखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय जो नीमच था वो कोटा रियासत का भाग था, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। यहां पर विद्रोहियों का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग और हीरालाल ने। ये जो छावनी थी ये मेजर सावर्स के नियंत्रण में थी, जबकि यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी और नियुक्त था, कर्नल एबार्ट। 2 जून 1857 को इस कर्नल एबार्ट को यह सूचना मिलती है कि नसीराबाद में क्या हो गया है? विद्रोह हो गया है। इसलिए इसने 3 जून को नीमच छावनी के सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की क्या दिलाई? शपथ दिलाई। लेकिन उस शपथ के दौरान ही जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया, और एक अंग्रेज सार्जेंट, उसकी पत्नी और बच्चों की क्या कर दी? हत्या कर दी। बचे हुए अंग्रेज हैं वो नीमच से भागते हैं और चित्तौड़गढ़ जिले में एक गांव है डुंगला, वहां आ जाते हैं। लेकिन क्रांतिकारी वहां पहुंचते हैं और उन अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लेते हैं, और रुग्गाराम नाम का किसान था उसके घर में क्या कर देते हैं? कैद कर देते हैं। एक बार देखिएगा आप इसको, इनको आप याद रखिएगा। क्रांति कब हुई, किसके नेतृत्व में हुई, कौन सा अंग्रेज मारा गया, किसके नियंत्रण में छावनी थी, वर्तमान में क्या थी, अंग्रेजों को कहां गिरफ्तार कर लिया गया, आगे देखते हैं। अब इन अंग्रेजों को जैसे ही गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों को कैद किया गया कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। अंग्रेजों को कैद किया जाता है चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो उस टाइम कौन सी रियासत का भाग था? मेवाड़ रियासत का भाग था। और मेवाड़ रियासत का जो शासक था वो कौन था? स्वरूप सिंह था। फिर से देखेगा कि नीमच छावनी से लगभग 40 अंग्रेज भगकर आ जाते हैं चित्तौड़गढ़, जहां पर क्रांतिकारियों द्वारा डुंगला नामक स्थान पर उनको क्या कर लिया जाता है? कैद कर लिया जाता है। और चित्तौड़गढ़ है वो उस टाइम मेवाड़ रियासत का भाग था, जहां का शासक कौन था? स्वरूप सिंह था। इस बात की सूचना किसको लगती है? स्वरूप सिंह को लगती है। तो स्वरूप सिंह इन अंग्रेजों को छुड़ाने के लिए क्या करता है? जाता है, अंग्रेजों को छुड़ाता है, और स्वरूप सिंह इन अंग्रेजों को चित्तौड़गढ़ से निकाल कर लेकर आता है कहां पर? उदयपुर। और उदयपुर में एक झील है, झील का नाम है पिछोला, और इस पिछोला झील के किनारे कुछ महल बने हुए हैं जिनमें जग मंदिर और जगनिवास सबसे महत्वपूर्ण है। तो इन अंग्रेजों को ये जो महाराणा स्वरूप सिंह है ये शरण कहां पर देता है? पिछोला झील के किनारे बने हुए जग मंदिर में। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है,
कि 1857 की क्रांति के दौरान नीमच छावनी से भागकर आए अंग्रेजों को मेवाड़ के कौन से शासक, मेवाड़ के कौन से शासक के द्वारा शरण प्रदान की गई। यदि शासक का नाम पूछे स्वरूप सिंह, शरण कहां प्रदान की गई यदि जिला या रियासत पूछे उदयपुर, और यदि प्रॉपर किसी जगह का नाम पूछे तो बिछोला झील के किनारे बने हुए जग मंदिर नामक स्थान पर इन अंग्रेजों को स्वरूप सिंह के द्वारा क्या दी गई, शरण दी गई। अब नीमच में विद्रोह हो गया, अंग्रेजों को यहां पर ये मेवाड़ बनाना छुड़वा लेते हैं। अब होता क्या है, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। इस मेजर बर्टन को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि नीमच छावनी को क्रांतिकारियों से क्या करवाया जाए, मुक्त करवाया जाए। इसलिए मेजर बर्टन कोटा रियासत को छोड़कर चला जाता है नीमच, और वहां पर 8 जून 1857 को, 3 जून को विद्रोह होता है और 8 जून 1857 को वापस अंग्रेजों द्वारा नीमच छावनी पर क्या कर दिया जाता है, नियंत्रण कर लिया जाता है। फिर से आप देखोगे कि चित्तौड़गढ़ में जो अंग्रेज परिवार थे उनको मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह कहां ले आता है, उदयपुर ले आता है, जगमंदिर में उनको क्या दे देता है, शरण दे देता है। और कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था उसको जिम्मेदारी दी जाती है वापस नीमच छावनी में अधिकार करने का। तो मेजर बर्टन अपनी सेनाएं लेकर कहां जाता है, कोटा जाता, ये नीमच जाता है, और 8 जून 1857 को नीमच छावनी पर वापस क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। तो ये तो नीमच का विद्रोह था। दोस्तों नीमच के विद्रोह से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपको याद रखना है कि नीमच 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत का भाग था, कोटा बताओगे। नीमच वर्तमान में कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। नीमच में विद्रोह कब हुआ था, 3 जून 1857 को हुआ था। नीमच में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो आप क्या बताओगे, नीमच में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली बेग और हीरालाल नाम के सैनिक ने किया था। इसके अलावा पूछ ले कि नीमच जो छावनी थी वो किसके नियंत्रण में थी, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स, उस सावर्स के क्या थी, ये नियंत्रण में थी। इसके अलावा नीमच पर अंग्रेजों का वापस अधिकार होता है 8 जून 1857 को होता है। नीमच छावनी से भागकर आए हुए 40 अंग्रेज परिवारों को या 40 अंग्रेजों को किसने शरण दी थी, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने दी थी। कहां दी थी, पिछोला झील के किनारे बने हुए जग मंदिर में। ये नीमच छावनी से संबंधित प्रश्न है, आपको याद रखने हैं। फिर होता क्या है कि ये मेजर बर्टन तो कोटा को छोड़कर कहां आ जाता है, नीमच, और पीछे से कोटा में क्या हो जाता है, विद्रोह है हो जाता है। तो अपना जो नेक्स्ट पार्ट है इसी में अपन देखते हैं कोटा का विद्रोह। कोटा का विद्रोह देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। कोटा के विद्रोह को देखने से पहले यहां से संबंधित कुछ अधिकारियों की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो कोटा का विद्रोह देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विद्रोह के समय कोटा का शासक कौन था। तो विद्रोह के समय जो कोटा के शासक थे वो थे महाराव राम सिंह, महाराव राम सिंह द्वितीय। डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था, महाराव राम सिंह द्वितीय था। फिर बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मेजर बर्टन था। वो कोटा का क्या था, पॉलिटिकल एजेंट था। ध्यान रखना 1857 की क्रांति के दौरान इस मेजर बर्टन के दो पुत्रों की भी हत्या कर दी जाती है, और इसके दो डॉक्टर थे उनकी भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो वो भी देखते हैं, इस मेजर बर्टन के दो पुत्र थे, एक का नाम था फ्रैंक और दूसरे पुत्र का नाम था आर्थर। इन
दोनों की भी कोटा विद्रोह के दौरान क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। कुल 5 अंग्रेज यहां पर मारे जाएंगे भी देखते हैं। और दो थे इसके डॉक्टर, एक का नाम था सैडलर और दूसरे डॉक्टर का नाम था कोटम। तो इन दो अंग्रेज अधिकारियों की, फिर से देखेंगे कि जो कोटा में विद्रोह हुआ था 1857 का, उस टाइम कोटा का शासक था महाराव राम सिंह द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर बर्टन। तो ध्यान रखना इस क्रांति के समय मेजर बर्टन की भी हत्या कर दी जाती है, इसके दो पुत्र थे फ्रैंक और आर्थर, इनकी भी हत्या कर दी जाती है। और इस मेजर बर्टन के जो पर्सनल डॉक्टर थे कौन कौन से, सैडलर और कोटम, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। एक चीज अपन ने सुन रखी है काफी बार कि 1857 की क्रांति के समय इस मेजर बर्टन का सिर काटकर, ये अपने रेट में भी पूछा गया था, पूरे कोटा में घुमाया गया था। ये दो प्रश्न आते हैं ऐसे कि 1857 की क्रांति के समय कौन से पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, आपको जवाब देना है मेजर बर्टन। और यदि आपसे पूछ ले कि कौन से अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आउवा के दुर्ग के द्वार पर लटका दिया था, उस टाइम जवाब देना है मिस्टर मैकमोसन। तो 1857 की क्रांति के समय इस मेजर बर्टन का सिर काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। आगे देखते हैं और कौन व्यक्ति है, जिन व्यक्तियों ने या जिन लोगों ने 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोही थे या जिन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, वो दो व्यक्ति थे, उनका प्रश्न भी अपने राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा गया था, कौन थे वो, जयदयाल और मेहराब खान। अभी जो राजस्थान पुलिस एसआई का एग्जाम लगा था उसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि जयदयाल तथा मेहराब खान का संबंध है वो कहां की क्रांति से रहा है, तो कोटा की क्रांति से रहा है। शासक पूछे राम सिंह द्वितीय, पॉलिटिकल एजेंट पूछे मेजर बर्टन जिनका कोटा में सर काट के घुमाया गया था, इनके दो पुत्रों की हत्या कर दी गई थी, दो डॉक्टर मारे गए थे, और 1857 की क्रांति के दौरान जिन व्यक्तियों ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था वो थे जयदयाल और मेहराब खान। अब ये जयदयाल और मेहराब खान मूल रूप से कहां के निवासी थे, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो जयदयाल था वो मूल रूप से करौली जिले का निवासी था और जो मेहराब खान था वो भरतपुर जिले का निवासी था। लेकिन 1857 की क्रांति के समय जो ये जयदयाल था वो यहाँ के शासक राम सिंह द्वितीय का वकील था, राम सिंह द्वितीय का वकील था, और जो मेहराब खान था वो राम सिंह द्वितीय का क्या था, सेनापति था। तो आपको ये बातें याद रखनी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्रांति के समय कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय था, क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था, मेजर बर्टन का ही सिर काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, 1857 की क्रांति के समय जिन्होंने कोटा में विद्रोहियों का नेतृत्व किया वो जयदयाल था मूल रूप से करौली का निवासी था, और ध्यान रखना ये महाराव राम सिंह द्वितीय का क्या था, वकील था, मेहराब खान था वो मूल रूप से भरतपुर का निवासी था, और ये क्रांति के समय कोटा सेना का क्या था, सेनापति था। तो एक बार आप इनको देखिएगा, आगे देखते हैं, अब देखते हैं कोटा के दो विद्रोही हैं जयदयाल और दूसरे व्यक्ति हैं मेहराब। ये कोटा के दो विद्रोही हैं, इनके द्वारा कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। इन दोनों के द्वारा क्रांति के समय दो सैनिक पलटनों की या दो सैनिक टुकड़ियों की स्थापना की गई थी, वो प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि उनका संबंध कौन सी रियासत से रहा है। तो कौन कौन सी दो सैनिक पलटने थी, एक थी नारायण पलटन और एक थी भवानी पलटन। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पूछ ले नारायण पलटन और भवानी पलटन का संबंध कहां के विद्रोह से रहा है, जवाब देना है कोटा के विद्रोह से रहा है। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है नारायण और भवानी क्या है, तो 1857 के विद्रोह के समय
कोटा के विद्रोही जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा स्थापित दो सैनिक टुकड़ियां हैं जिनके नाम है नारायण और भवानी। ध्यान रखना ये नारायण और भवानी तो क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित सैनिक टुकड़ियां हैं जो कोटा की राजकीय सैनिक टुकड़ी थी। 1857 की क्रांति के समय कोटा की जो राजकीय सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम क्या था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नारायण और भवानी तो क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित है लेकिन कोटा की जो राजकीय सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम क्या था? तो 1857 की क्रांति के समय कोटा की जो राजकीय सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम क्या है? पाएगा है। अब विद्रोह होता है 15 अक्टूबर 1857 को, यह आप थोड़ा सा याद रखोगे विद्रोह का समय, विद्रोह का समय 15 अक्टूबर 1857। फिर से अपन देखेंगे कि नीमच में जो विद्रोह होता है उसको दबाने के लिए कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बटन कहां चला जाता है? नीमच चला जाता है। पीछे से जो विद्रोही क्रांतिकारी थे वो इस बात का फायदा उठाते हैं, वो इस बात का क्या उठाते हैं? फायदा उठाते हैं। और उस कर्नल ये मिस्टर जो अपना बटन था उसके जाने के बाद नीचे नीचे जो क्रांतिकारी थे वो अपनी सैनिक टुकड़ियों का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। और 15 अक्टूबर 1857 के दिन सभी सैनिक टुकड़ियां एक साथ होकर क्या करती है? जो कोटा का राज दरबार था और कोटा का शासक अपने पढ़ लिया जो कि अंग्रेजों का समर्थक था राम सिंह द्वितीय, कोटा का जो राज दरबार था कोटा का जो शासक था राम सिंह उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है? आक्रमण कर दिया जाता है। और कोटा के शासक राम सिंह से कहा जाता है कि जितने भी अंग्रेज अधिकारी आपके दरबार में हैं हमें सौंप दिए जाए। हालांकि युद्ध होता है लेकिन क्रांतिकारी इस युद्ध में जीत जाते हैं। क्या होता है उसमें पन्ने भी पढ़ लिया था, एक बार फिर देख लेते हैं। बल्टन का सिर काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है जो क्या था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। इसके दो पुत्र थे, एक का नाम फ्रैंक एक का नाम आर्थर, इनकी भी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इसके दो डॉक्टर थे, डॉक्टरों के नाम है सैडलर और कोटम, ये दो डॉक्टर थे। इन दो डॉक्टरों की भी क्रांतिकारियों द्वारा क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और जो कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय थे इनको गिरफ्तार करके कहां डाल दिया जाता है? जेल में या कैद में डाल दिया जाता है। 15 अक्टूबर को सभी क्रांतिकारी एक साथ होकर विद्रोह करते हैं, पॉलिटिकल एजेंट को मार देते हैं, उसके दो पुत्रों को मार देते हैं, उसके दो डॉक्टरों को मार देते हैं और कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय की अंग्रेजों द्वारा सहायता की जाती है। इस बात से नाराज होकर क्रांतिकारी इनको भी कहां डालते हैं? जेल में डाल देते हैं, कैद कर लेते हैं। तभी कहा जाता है कि संपूर्ण राजस्थान में 1857 की क्रांति जो सबसे सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से हुई थी वो कहां पर हुई थी? कोटा में हुई थी। अब जैसे ही राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन सबकी हत्या कर दी जाती है, तो अंग्रेज अधिकारियों का एक ही लक्ष्य रह गया था कि कैसे भी कोटा में विद्रोह को दबाया जाए। तो एक बार आप इसको देखिएगा फिर आगे शुरू करते हैं। आगे देखते हैं। अब अंग्रेजों का सबसे जो मेन लक्ष्य था वो था कि कैसे भी कोटा में विद्रोहियों को गिरफ्तार किया जाए और कोटा पर वापस अधिकार किया जाए। तो अंग्रेज क्या करते हैं आप देखिएगा, एक बार अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम था रॉबर्ट्स, HG रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना देकर कहां भेजी जाती है? कोटा में भेजी जाती है।
और एच जी रॉबर्ट्स का कोटा के विद्रोह को दबाने में राजस्थान के भी कुछ शासकों द्वारा क्या दिया जाता है, साथ दिया जाता है। तो एच जी रॉबर्ट्स को सेना देकर कहां भेजी जाती है, कोटा, ताकि वो राम सिंह को मुक्त करा सके और कोटा से विद्रोहियों को बाहर भगा सके। कौन कौन लोग होते हैं जो इस क्रांति में, कोटा की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ देते हैं, वो भी देखते हैं। मदन पाल सिंह, मदन पाल सिंह, ये मदन पाल सिंह था, ये करौली का शासक था। एक मिनट देखिएगा, ये गेंता के जमींदार थे और एक व्यक्ति थे अजीत सिंह, ये पीपलदेह नामक ठिकाने के ठिकानेदार थे। तो इनको आप याद रखिएगा कि 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में जब ये जयदयाल मेहराब खान विद्रोह करते हैं तो पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर देते हैं और यहाँ के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय को गिरफ्तार करके कैद में डाल देते हैं। तो कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी एच जी रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेनाएं भेजी जाती है और इस कार्य में इनका साथ देते हैं करौली के शासक मदन पाल सिंह। इसके अलावा गेंता के जो ठाकुर होते हैं चतुर्भुज सिंह और पीपलदेह ठिकाने के ठिकानेदार अजीत सिंह कोटा के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का क्या देते हैं, साथ देते हैं। और 30 मार्च 1858 को अंग्रेज वापस कोटा पर कर लेते हैं अधिकार। जो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा पर क्रांतिकारियों ने अधिकार किया था, एच डी रॉबर्ट्स के नेतृत्व में वहां पर सेनाएं भेजी जाती है और 30 मार्च 1858 को वापस अंग्रेज यहां पर क्या कर देते हैं, अधिकार कर देते हैं। तो यहां पर प्रश्न कैसे कैसे आते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय कोटा पर जो अधिकार किया गया था उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, एच जी रॉबर्ट्स था अंग्रेजों के द्वारा। मदन पाल सिंह करौली का शासक था जिसने इस कार्य में अंग्रेजों का क्या दिया, साथ दिया। इस बात से अंग्रेज क्या होते हैं, कुछ होते हैं और इसको जीसीआई की उपाधि देते हैं, जीसीआई की उपाधि देते हैं। ये जीसीआई क्या है, ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया। अपने आगे पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं कि 1857 की क्रांति के समय कहां के शासक को अंग्रेजों द्वारा जीसीआई ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया की क्या दी गई, उपाधि दी गई। तो ध्यान रखना मदन पाल सिंह को दी गई थी क्योंकि इस मदन पाल सिंह ने कोटा के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की क्या की थी, सहायता की थी, इसलिए इस मदन पाल सिंह को जीसीआई की क्या दी गई, उपाधि दी गई। अपने एक चीज पढ़ रहे हैं कि 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय जो कोटा का शासक था वो था राम सिंह द्वितीय, वो था कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय। जब अपन ने एकीकरण पढ़ा था तो एक बात चली थी तोपों के सलामी का अधिकार है। तो ध्यान रखना 1857 की क्रांति से पहले इस राम सिंह के सम्मान में या राम सिंह को कितनी तोपों की सलामी का अधिकार था, 17 का, और इस करौली के शासक मदन पाल सिंह को कितनी तोपों की सलामी का अधिकार था, 13। ठीक है, जब ये मदन पाल सिंह अंग्रेजों के दरबार में जाता था, क्रांति से पहले की बात है, तो इसके सम्मान में 13 तोपें चलाई जाती थी और राम सिंह द्वितीय के सम्मान में 17 तोपें चलाई जाती थी, ये सलामी का अधिकार था। लेकिन यह राम सिंह था वो 1857 की क्रांति के समय कोटा के विद्रोह को दबाने में क्या रहता है, असफल रहता है, जबकि मदन पाल सिंह इस विद्रोह को दबाने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। इस
इसलिए अंग्रेज क्या कहते हैं, जिस राम सिंह को क्रांति से पहले 17 तोपों की सलामी का अधिकार था, उसकी तो तोपों की संख्या कर दी जाती है 13, और मदन पाल सिंह के लिए तोपों की संख्या 13 से बढ़ाकर कर दी जाती है 17। तो फिर से देखेगा कि कोटा में जो विद्रोह हुआ था, उस समय कोटा का शासक था राम सिंह द्वितीय, यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन, जिसका सिर काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। उसके दो पुत्र थे फ्रैंक और आर्थर, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। उसके दो डॉक्टर थे सैडलर और कोटम, उनकी भी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। कोटा में जिन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया वो था लाला जयदयाल, जो कि कोटा रियासत के वकील थे, और एक थे मेहराब खान, जो कोटा रियासत के क्या थे, सेनापति थे। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्या होता है, विद्रोह होता है। कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहां डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी जाती है, जितने लगभग अंग्रेज अधिकारी थे उनकी क्या कर दी जाती है, हत्या, और कोटा रियासत पर अधिकार कर देते हैं क्रांतिकारी। अब कोटा में इस क्रांतिकारियों से निपटने के लिए, कोटा में विद्रोह को दबाने के लिए एच जी रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेज क्या भेजते हैं, सेनाएं भेजते हैं, और इस कार्य में इनका साथ देते हैं करौली के शासक मदन पाल सिंह, गेता के ठाकुर चतुर्भुज सिंह, और पीपल्या के ठिकानेदार अजीत सिंह। ये चारों मिलकर या चारों की सेनाएं मिलकर कोटा पर आक्रमण करती है और कोटा को क्रांतिकारियों से क्या करवा लेती है, मुक्त करवा लेती है।